एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड डूइंग गुड। सो गाइज, आज मैं आपके साथ एक मॉइस्चराइजर का रिव्यू करने वाली हूँ, दैट इज़ फ्रॉम पिलग्रिम एंड इट इज़ फ्रॉम देयर ऑस्ट्रेलियन ब्यूटी रेंज विथ टी ट्री फॉर ऑयली एक्ने प्रोन स्किन। येस, बिकॉज आई गेट लोड्स एंड लोड्स ऑफ कमेंट्स कि दी प्लीज़ ऑयली स्किन के लिए आप कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजर सजेस्ट करो, क्योंकि मेरी भी ऑयली स्किन है। इसलिए आप में से बहुत से लोग मुझसे रिलेट भी कर पाते हो इस टॉपिक पे। सो इट इज़ फ्रॉम देयर न्यूली लॉन्च स्किन केयर रेंज, जो कि जैसे कि मैंने बताया ऑस्ट्रेलियन ब्यूटी रेंज है इनकी, जिसका ऑलरेडी मैंने एक रिव्यू करा हुआ है और उसमें भी मैंने इस प्रोडक्ट के बारे में बात करी थी। बट दिस प्रोडक्ट इज़ सो गुड दैट आई थॉट दैट दिस डिजर्व्स अ सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो, इन डेप्थ वीडियो। सो बेसिकली मॉइस्चराइजर क्या है यार? मॉइस्चराइजर एक इतना बेसिक स्किन केयर का यू नो स्टेप होता है, और यू कैन से प्रोडक्ट होता है जो कि लिटरली हर स्किन टाइप को यूज़ करना चाहिए, नो मैटर आपकी स्किन टाइप क्या है, ऑयली है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, एक्ने प्रोन स्किन है या व्हाटएवर, एंड नो मैटर कौन सा सीजन चल रहा है। बिकॉज आई हैव सीन मोस्टली पीपल विंटर्स आ जाते हैं ना, तब मोस्टली पीपल्स मॉइस्चराइजर यूज़ करना स्टार्ट करते हैं, स्पेशली ऑयली स्किन पीपल। बिकॉज हमें ऐसा लगता है कि सिंस हमारी स्किन इतना ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर रही है, तो ऑलरेडी हमारी स्किन काफ़ी हाइड्रेटेड है एंड वी डोंट नीड एनी मॉइस्चराइजर। बट दिस इज़ द बिगेस्ट मिथ, एंड लिटरली जो लोग भी ऐसा करते हैं ना, प्लीज़ मत करो, आपकी स्किन लिटरली बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है। बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करो एंड हाइड्रेटेड रखो, इवन इफ़ यू हैव ऑयली स्किन। बिकॉज अगर आप ये सिंपल सा स्टेप फॉलो नहीं करोगे ना, तो फिर क्या होगा कि आपकी स्किन नेचुरल ऑयल बहुत ही ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी, जिससे कि आपकी स्किन इवन मोर ऑयली हो जाएगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक बैलेंस बना रहे हमारी स्किन में। सो इसलिए मॉइस्चराइजर यूज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बहुत ही अच्छा बैरियर होता है स्किन के लिए, प्लस काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेटिंग भी होता है। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं पिलग्रिम के मॉइस्चराइजर की, तो जैसे कि मैंने कहा कि इट इज़ स्पेशली फॉर एक्ने प्रोन स्किन, ऑयली स्किन, ब्लेमिश प्रोन स्किन, क्योंकि इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं दैट इज़ हाइलुरोनिक एसिड एंड सीका। नाउ हाइलुरोनिक एसिड हम सभी को पता है कितना अमेजिंग होता है। हाइलुरोनिक एसिड बेसिकली हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड रखता है, लाइक लिटरली हद से ज़्यादा वाला हाइड्रेटेड। सो हाइलुरोनिक एसिड इज़ रियली इंपॉर्टेंट। प्लस जो सीका होता है वो हमारी जो एक्ने हो जाता है, जो एक्टिव एक्ने होता है हमारा, और इवन जो ब्लेमिशेज होते हैं, जो रेडनेस होता है, उसको रिड्यूस करने में, उसको काम डाउन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। प्लस टी ट्री भी है इसका मेन इंग्रेडिएंट, सो वी ऑल नो टी ट्री कितना ज़्यादा अच्छा होता है हमारी ऑयली एक्ने प्रोन स्किन के लिए, स्पेशली एक्ने को रिड्यूस करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है टी ट्री। टी ट्री में कूलिंग सेंसेशन होता है, जो कि हमारे एक्ने को काम डाउन करने में, सूद करने में, रेडनेस, इन्फ्लेमेशन को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ऑयली स्किन के लिए एक और मेन कंसर्न क्या होता है कि हमें एक ऐसा मॉइस्चराइजर चाहिए होता है जो कि हमारी पोर्स को क्लॉग ना करे और जो कि नॉन कॉमेडोजेनिक हो, एंड दोनों ही क्वालिटीज़ इसमें हैं। ये ना ही पोर्स को क्लॉग करता है और ये बिल्कुल नॉन कॉमेडोजेनिक है, विच मीन्स कि इसको यूज़ करने के बाद हमें कोई ब्रेकआउट नहीं होता है। क्योंकि मेरी एक्ने प्रोन स्किन भी है, ऑयली स्किन भी है, सेंसिटिव स्किन भी है, एंड दिस इज़ माय ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट, तो मैं इसको आग बंद करके आपको सजेस्ट कर सकती हूँ। पहले हम बात कर लेते हैं इसके टेक्सचर की। सो इसका बहुत ही लाइट वेटेड टेक्सचर है एंड विद इन नो टाइम ये स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है कुछ इस तरह से, और आप देख सकते हो कितना अच्छे से स्किन को हाइड्रेट कर देता है, प्लस एक ग्लोइनेस, एक ड्यूइनेस प्रोवाइड करता है। तो सिंस अभी मैंने ना अपने स्किन, अपने फेस को सिर्फ वॉश करा था और टोन करा था, टोनर के लिए भी मैंने इसी का टी ट्री रेंज का ही टोनर यूज़ करा था, तो अब मैं यूज़ कर लूँगी मॉइस्चराइजर। सो दिस मच अमाउंट इज़ परफेक्ट फॉर माई ऑयली स्किन, इतना मेरे स्किन पर अच्छे से चल जाता है। सो आपको कुछ इस तरह से इसे अप्लाई करना होता है ऑल ओवर योर फेस एंड नेक एज वेल, ठीक है? और आपने देखा ही विद इन नो टाइम में मेरी स्किन में एब्जॉर्ब हो गया, एंड आप ग्लो देख ही सकते हो कितना अच्छा इसने ग्लो प्रोवाइड करा है। एट द सेम टाइम मुझे बिल्कुल भी अपनी स्किन खिंची खिंची या ड्राई या फिर लैक मॉइस्चराइज्ड नहीं लगती है, मुझे मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइज लगती है इसे यूज़ करने के बाद। प्लस इट ऑल्सो हैज़ अ वेरी 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 माइल्ड एंड वेरी सूदिंग फ्रेग्रेंस विच आई टोटली लव। सो ओवरऑल गाइज, माई ऑयली स्किन लव्स दिस प्रोडक्ट एंड आई हाईली हाईली रिकमेंड यू गेटिंग वन इफ यू हैव ऑयली एक्ने प्रोन, ब्लेमिश प्रोन और सेंसिटिव स्किन। Also guys, this comes from the brand Pilgrim. सबको already पता है कि Pilgrim is a 100% Indian brand. Plus इनके जो products रहते हैं ना, वो unisex होते हैं, which means both men and women can use this. They are sulfate-free, paraben-free, cruelty-free, 100% vegan. They have no toxic chemicals whatsoever. FDA approved, PETA certified and plastic positive. Also guys, all their products are available on Amazon, Flipkart, Nykaa, Purple and of course their official website. And also guys, you can use this code which is reflecting on the screen, that is ABEAUTY15, to get additional 15% off on your discount. And this coupon code is applicable only on their website. So yes guys, this was my short and sweet as well as crisp review on this
मॉइस्चराइजर फ्रॉम पिलग्रिम. सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो. अगर रही है तो प्लीज़ गाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय, टेक केयर, लव यू.